नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिलासपुर में युवक को पहले मारी टक्कर, फिर फेंका खाई में, अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान। बर्ड फ्लू के खौफ के बीच मंडी के गौहर में गौशाला के बाहर मिला मृत उल्लू। 27 जनवरी से होगी कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी कोर्स के लिए प्रवेश काउंसलिंग। कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने चीन पहुंची WHO की टीम, 2 हफ्ते के लिए किया गया क्वारंटाइन। US कैपिटल दंगे के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार चलाया गया महाभियोग। गाजियाबाद में CBI अफसर के घर पर CBI ने ही मारा छापा, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर हो रही पूछताछ। दिल्ली में ठंड का 2 डिग्री वाला टॉर्चर, श्रीनगर में टूटा 25 साल का रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में जब लोग लोहड़ी मना रहे थे तो बिलासपुर के बस अड्डे पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पेश आई। यहां पर कुछ युवकों ने एक युवक को टक्कर मारी और फिर उसे खाई में फेंक दिया। जब तक पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। हुआ यूं कि बिलासपुर के बस अड्डे पर नैनो कार में सवार कुछ युवकों ने एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवक घायल हो गया। युवकों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की बजाय उसे गाड़ी में डाला और बंगला रोड पर खाई में नीचे फेंक दिया। इसके बाद घायल युवक ने अपने भाई को फोन कर सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही भाई ने सीधे पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और मदद करने को कहा। पुलिस ने रात को मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर युवक को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टक्कर मारने तथा खाई में फेंकने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के खौफ के चलते मंडी जिला के गोहर उपमंडल में आज सुबह एक उल्लू मृत पाया गया। सेगली पंचायत के तरौर तड़ाई गांव में आज सुबह बुद्धि सिंह पुत्र श्यामलाल जैसे ही अपनी गौशाला की तरफ गया तो उसने गौशाला के बाहर एक उल्लू को मृत अवस्था में पाया। बर्ड फ्लू के चलते ग्रामीणों में ये खबर तेजी से फैल गई। उल्लू की मौत की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। मृत उल्लू के मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वह उल्लू की मौत को लेकर ग्रामीण इसे बर्ड फ्लू से जोड़ रहे हैं। वन विभाग गौहर की टीम मौके पर रवाना हो गई है। पशुपालन विभाग गौहर में तैनात डॉक्टर नंदलाल ने बताया कि उल्लू की मौत कैसे हुई है। इसको लेकर विभाग मृत उल्लू की सैंपलिंग के लिए तड़ाई गांव को निकल गया है। वो उल्लू की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी रिपोर्ट आने के बाद ही दी जा सकती है। SDM गौहर अनिल भारद्वाज ने पशुपालन विभाग व वन विभाग के अधिकारियों को तड़ाई गांव में उल्लू की मौत को लेकर अधिकारियों को मौके पर भेज दिया है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का अंतिम दौर 27 जनवरी से शुरू होगा। इसी क्रम में BVSC वेटनरी के लिए 27 जनवरी 2021, BSc ऑनर्स कृषि के लिए 28 जनवरी 2021, BSc फिजिकल साइंस व लाइफ साइंस के लिए 29 जनवरी, BTech फूड टेक्नोलॉजी के लिए 30 जनवरी, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 1 फरवरी, MSc कृषि के लिए 27 जनवरी, MVSc के लिए 28 फरवरी, MSc कम्युनिटी साइंस के लिए 29 फरवरी तथा डॉक्टर GC नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के PhD प्रोग्रामों के लिए फाइनल काउंसलिंग 30 जनवरी को होगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि खाली सीटों की संख्या व प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त करें। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। वैश्विक शोधकर्ताओं की एक टीम गुरुवार को चीन के उस शहर में पहुंची जहां कोरोना वायरस महामारी का पहली बार पता चला था। टीम वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच करेगी। टीम ये भी पता करेगी कि क्या चीन ने वायरस से संबंधित खोजों को रोकने की कोशिश की है। इस टीम को WHO द्वारा वुहान भेजा गया है। इस 10 सदस्यीय टीम को महीनों के राजनयिक टालमटोल के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने मंजूरी दी थी। राज्य मीडिया CGTN ने गुरुवार को बताया कि WHO की टीम गुरुवार को पहुंची। वैज्ञानिकों को शक है कि चीन के दक्षिण पश्चिम में वायरस ने चमगादड़ या अन्य जानवरों के जरिए मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किया होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बुधवार को अमेरिकी हाउस द्वारा ऐतिहासिक दूसरी बार महाभियोग चलाया गया। इस महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप पर 6 जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान पक्ष में 232 वोट तो विपक्ष में 197 वोट गिरे। वहीं 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के पक्ष में वोट डाला। राइटर के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग के मुद्दे में खुद के बचाव के लिए एक कानून के प्रोफेसर को नियुक्त कर सकते हैं जो इस मामले में उनकी मदद कर सके। गाजियाबाद के कौशाम्बी में CBI के एक पूर्व अफसर के घर पर CBI ही छापेमारी कर रही है। कौशाम्बी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी के मुताबिक शिवालिक टावर के फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले CBI के पूर्व डिप्टी SP के फ्लैट पर CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में छापे की कार्रवाई की है। सुबह करीब 8:30 बजे CBI के 12 अधिकारियों की टीम फ्लैट पर पहुंची और अंदर कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल शिवालिक टावर की RWUA और अन्य पदाधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में ठंड प्रचंड है और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुरा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में तापमान 25 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग में 2 डिग्री 1 जनवरी के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में तापमान इतना नीचे गिर गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद।